हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड मेरा वन ऑफ द फेवरेट कंटेंट क्रिएटर लैपटॉप, अगर हम प्राइस की बात ना करें, दैट इज एसस आरओजी ज़ेफिरस M16। एंड 2022 लाइनअप इंडिया में लॉन्च हो चुकी है 8 अप्रैल को, एंड कुछ मॉडल्स अवेलेबल है परचेज करने के लिए। आप लोग को बाकी सारी चीज़ें तो पता होगी ही, बहुत सारे वीडियोज ऑलरेडी अवेलेबल है। मेन जो मुद्दा है, जो टॉपिक है इस वीडियो में, मैं कवर करूंगा, दैट इज प्राइसिंग। एंड लेट्स सी ये जो लैपटॉप है किन के लिए है, कैसा इसका परफॉर्मेंस रहता है, एंड पर्टिकुलरली अगर आप एक गेमर हो तो आपको ये लैपटॉप कंसीडर करना चाहिए कि नहीं। तो फटाफट से करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड इफ यू गाइस लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट मी। तो अभी कुछ आपको मैं बेसिक से जो इसके हाईलाइटिंग फीचर्स है, स्पेसिफिकेशन है, वो बता देता हूँ। एंड उसके बाद डेफिनेटली बात करेंगे इन डिटेल प्राइसिंग के बारे में। तो इन मॉडल्स में आपको QHD यानी कि 2K रेजोल्यूशन वाला पैनल मिलेगा, 165 हर्ज का रिफ्रेश रेट है, 3 मिलीसेकंड की रिस्पॉन्स टाइम है, 100% DCI-P3 कलर गैमेट मिलता है, जो कि रफली अराउंड 120 से 125% sRGB जो कलर रेंज है उसे कवर करता है। एंड बाकी ये जो डिस्प्ले है, इसका एस्पेक्ट रेशियो है 16:10, थंडरबोल्ट 4 का भी सपोर्ट मिलेगा, 90 वॉट आवर की बैटरी है, एंड ये सपोर्ट करता है लैपटॉप फास्ट चार्जिंग को भी। एक फीचर जो मुझे काफी बढ़िया लगा, दैट इज यहाँ पे आपको एक माइक्रो SD कार्ड रीडर का भी स्लॉट मिलता है। एंड बाकी बिल्ड क्वालिटी वगैरह काफी सही है, मेटल बिल्ड है, ग्लास ट्रैक पैड मिल जाता है, एंड थर्मल पेस्ट के जगह पे इस बार ज़ेफिरस एंड जो इनके स्टिक्स लाइनअप है इनमें लिक्विड मेटल का यूज करा गया है। तो ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इन मॉडल्स के बारे में। सो अब फाइनली बढ़ते हैं दो उन मॉडल्स की तरफ, एंड लेट्स सी कि जो प्राइस है वो सही है कि नहीं। सबसे पहला मॉडल है इंटेल i9-12900H, RTX 3070 Ti, मैक्सिमम TGP नहीं मिलता है, अप टू 120 वॉट TGP इंक्लूडिंग डायनामिक बूस्ट, 32GB की डुअल चैनल 4800 MHz वाली DDR5 आर्किटेक्चर पे बेस्ड, लेटेस्ट रैम मिलेगी, 1TB की जेन 4 SSD है, एंड इस मॉडल की MRP है 2,87,990 रुपीज। इस मॉडल को मैंने रिलायंस डिजिटल के ऊपर चेक करा था, एंड जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसकी सेलिंग प्राइस है 2,41,990 रुपीज। सो MRP से लगभग 16% इसकी प्राइसिंग कम है, जो कि मतलब लगभग जो लैपटॉप्स है बेसिकली जितना मुझे पता है, जितने मैंने प्राइसेस देखी है, तो MRP से ऑन एन एवरेज 25-30% तक प्राइसेस कम होती है। तो ये प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है जिस प्राइस पे आना चाहिए था। स्लोली बट डेफिनेटली इसकी प्राइसिंग 20-25% तक एटलीस्ट कम होगी MRP से। तो रफली अराउंड 2,10,000 से लेके 2,20,000-25,000 तक तो इस लैपटॉप की प्राइसिंग आएगी ही, बट ये प्राइसिंग इतनी कब तक ड्रॉप होगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन इतनी यार आनी चाहिए। एंड बाकी US प्राइसिंग की बात करें तो वहाँ पे bestbuy.com के ऊपर 16GB वाले वेरिएंट की इसकी प्राइसिंग है $2,149, एंड अगर 32GB वाला मॉडल होता तो आई थिंक कि $150 तो और एटलीस्ट लग ही जाते। INR में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो 1,75,000 के आसपास होता है, एंड इंडिया में जो भी मॉडल्स आते हैं उनकी प्राइसेस बाकी सारे कंट्रीज, फॉर एग्जांपल US या फिर चाइना की बात करते हैं, तो समवेयर अराउंड 20% से लेके अप टू 35% तक एक्सपेंसिव होते हैं। एंड अगर परफॉर्मेंस की बात करते हैं इसी पर्टिकुलर मॉडल की, पर्टिकुलरली अगर आप गेमर हो तो उनके हिसाब से आई थिंक कि लास्ट ईयर वाला जो लेनोवो लीजन 5 या फिर 5 प्रो है, राइजन 5800H या फिर इंटेल i7-11800H, RTX 3070, 3070 Ti वगैरह, तो वो लैपटॉप्स अभी भी इसके मुकाबले काफी बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। इनफैक्ट और भी ऐसे कुछ मॉडल्स है लास्ट जनरेशन वाले प्रोसेसर एंड RTX 3070, 3070 Ti वाले ग्राफिक कार्ड के साथ, जो कि इस लैपटॉप के जितना या फिर उससे ज्यादा ही परफॉर्मेंस निकाल के दे रहे हैं पर्टिकुलरली गेमिंग के अंदर। तो अगर आप एक प्योरली गेमर हो तो डेफिनेटली यार मैं कहूंगा ये मॉडल मत लो, पुराने मॉडल्स ले लो, आपको काफी बढ़िया प्राइसिंग पे मिल जाएंगे। 20,000 से लेके 40,000 तक तो एटलीस्ट आपके पैसे बच ही जाएंगे अगर आप लास्ट जनरेशन वाला लैपटॉप लेते हो। बट आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल का परफॉर्मेंस चाहिए, कोई कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है परफॉर्मेंस के मामले में, डेफिनेटली 30-35% के आसपास मल्टी कोर परफॉर्मेंस एंड 20-25% सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इस साल सारे ही इंटेल 12 जनरेशन वाले प्रोसेसर के अंदर इंप्रूवमेंट आया है, तो वो बहुत ही बड़ा जंप है। तो 10-15,000 रुपीज एक्स्ट्रा स्पेंड करना इस CPU परफॉर्मेंस के लिए मैं कहूंगा कुछ हद तक अभी भी वर्थ है। एंड दूसरा मॉडल है जो कि आई थिंक बहुत सारे लोग प्रीफर करेंगे ओवर दिस हाई एंड मॉडल, दैट इज इंटेल i7-12700H, RTX 3060, जिसकी TGP है अगेन 120 वॉट्स की, मैक्सिमम TGP आपको यहां पे भी नहीं मिलेगा। सो ये जो मॉडल है इसकी प्राइसिंग इंडिया में काफी ठीक है, मतलब RTX 3070 Ti i9 के कंपैरिजन में स्टिल काफी वर्थ है, दैट इज 1,79,999। ये मॉडल टाटा क्लिक के ऊपर लिस्टेड है एंड करेंटली ये है इसकी प्राइसिंग, एंड MRP जो है उसके हिसाब से 21% तक कम प्राइस में मिल रहा है। तो जैसे कि मैंने आपको पुराने वाले मॉडल के लिए बताया था, इंडिया में जो भी मॉडल्स आते हैं रफली अराउंड 25-30, कभी कभार 35% तक कम प्राइस में बेचे जाते हैं MRP से। एंड इसी मॉडल की अगर हम US या फिर चाइना की प्राइसिंग को कंपेयर करते हैं तो 512GB वाला वेरियंट वहां पर लिस्ट करा गया है, तो उसके हिसाब से मैंने थोड़े से जो पैसे है वो एड कर दिए है, रफली अराउंड 1,35,000 से लेकर 1,40,000-45,000 के आसपास कन्वर्जन रेट होती है। तो इंडिया में रफली अराउंड 30% इसकी प्राइसिंग ज्यादा है US से या फिर चाइना
चाइना से कंपेयर करें तो उतना मतलब एक्सपेक्ट करा जाता है, 20 से 25% तक तो एक्सपेक्ट करा ही जाता है कि प्राइसिंग थोड़ी सी इतनी एक्सपेंसिव होगी। तो मेरे हिसाब से ये लैपटॉप 170-175,000 तक तो आ ही सकता है, एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए। एंड ऑल्सो अगर आपको राइजन 6000 सीरीज के बारे में जानना है तो एक मॉडल जो राइजन 6800H के साथ आता है, एसस आरओजी 6G17, उसका मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाया है अनबॉक्सिंग एंड मतलब कितना आपको परफॉर्मेंस मिलता है एंड लास्ट ईयर के प्रोसेसर से कितना इंप्रूवमेंट मिलेगा 6800H में, या फिर इंटेल i7-12700H के कंपैरिजन में कितना बढ़िया है या फिर कितना बुरा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको उस वीडियो से मिल जाएगी एंड लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो जाके एक बार जरूर से देखें। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ये था मेरा ओपिनियन इन लैपटॉप्स को लेके, इनकी प्राइसिंग को लेके। आपको क्या लगता है प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियो में नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।